दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक स्मार्ट बैग की अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते यार, रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने के लिए यार थैले में आया हुआ था तो अनबॉक्सिंग तो होगा नहीं, तो हम इसका रिव्यू करने वाले जो bengo.com ने मुझे भेजा है। और इसमें क्या ऐसी खास बात है कि ये नॉर्मल बैग से इसे अलग बनाता है, मतलब कि डिफरेंट है, ये नॉर्मल बैग जैसा नहीं है। आप इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मतलब गैजेट्स को कैरी कर सकते हैं। ये एक वाटरप्रूफ बैग है, अगर आप बारिश में इस बैग को लेके कहीं जाते हैं तो आप अंदर जो जो सामान रखे रहेंगे वो सब सेफ रहेंगे। और आप अपने मोबाइल फ़ोन को इसी से चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी कमाल का बैग है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसा है, किसके लिए बैग बना है, किसे इसे ख़रीदना चाहिए, तो यार सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये बैग और ये वीडियो पसंद आए ना तो यार इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो दोस्तों ये है हमारा बैग, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसके ऊपर एक और थैला था जो मैंने हटा दिया। और यहाँ पे इसकी जो है ब्रांडिंग दी गई है एक फेरो, यहाँ पे आप जैसा कि नेम देख सकते हैं एक फेरो क्लासिक कलेक्शन ये बड़े से थैले में है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये है हमारा बैग, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको एक चैन देखने को मिल जाती है जो एक नॉर्मल चैन है, लेकिन आपको बैक साइड में एक चैन देखने को मिल जाती है जहाँ दोस्तों जिसके लिए इसे एंटी थीफ बोला गया है। एंटी थीफ बैग मतलब कि आपका जो अगर आप बैग अपने बैक साइड में लगा लेंगे, टांग लेंगे ना, तो उसके बाद बैक साइड का जो चैन है वो कोई खोल ही नहीं पाएगा। ये जो सामने वाला चैन आपको दिख रहा है ये भले ही खोल सकते हैं लेकिन बैक साइड जिसमें आपका मेन सामान रहेगा वो कोई खोल ही नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ से बैग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जब आप बैग को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है जगह मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने गैजेट्स को जो है रख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख ही सकते हैं काफ़ी सारे जो है जगह दिए गए हैं, पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों इस बैग के यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर के साइड में तो आपको एक चैन मिलता है, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं और इस चैन के अंदर आपको एक USB केबल मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये है एक USB केबल जिसको आपको यहाँ पे फिट करना है, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेंगे। तो मैं फटाक से जो है इसे फिट करके आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला साइड है यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इसे आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक का दिया हुआ है ऑप्शन जगह, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको फिट कर देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें इसे फिट कर देना है, तो मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप बाहर से देख सकते हैं ये है, यहाँ पे आपको इसे जो है फिट करना है, तो ये फिट हो चुका है। और ये जो दूसरा वाला USB केबल है मतलब पॉइंट दिया हुआ है, इसे आपको अपने पावर बैंक में लगा के यहाँ पे पावर बैंक डाल देना है, वो भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा पावर बैंक, मैं इसमें जो है इसे फिट कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने लगा दिया है, उसके बाद आपको इसे जो है इसमें डाल के चैन बंद कर देना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपना पावर बैंक इसमें डाल के चैन बंद कर दिया है, सब कुछ सेट हो गया है। अब जब भी आपको चार्ज करना होगा अपना मोबाइल फोन ना, यहाँ पे सिर्फ आपको USB केबल लगाना है और अपने मोबाइल फोन को लगा के जो है चार्ज कर लेना है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख ही सकते हैं आपको बहुत सारे पॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ पे आप कैमरा के लेंस या फिर मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे भी ऊपर आपको जगह मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है चैन भी मिल जाता है। और ऊपर की साइड में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए कई सारे जो है पॉकेट्स मिल जाते हैं। ये है आपको फर्स्ट पॉकेट, फिर सेकेंड, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे रबड़ भी दिया गया है जिससे आप आसानी से अपना जो भी सामान है गैजेट्स है उसे सेफली रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चैन मिल जाता है, जहाँ दोस्तों जहाँ पे आप अपना ATM कार्ड या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको इसे रख के उसके बाद इसे जो है बंद कर देना है कुछ इस टाइप से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सेफली आप जो है रख सकते हैं, या फिर अपने पैसे वगैरह है तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये बैग कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो इस वीडियो को ठोको लाइक और इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, और जो साइड में बेल आइकॉन है ना उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि चैनल पे आपके लिए डेली एक नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।